हे मोहन राम बाबा सुन करुणा भरी पुकार इकलौते बेटे ने करती घर से बाहर इकलौते बेटे ने माँ करती घर से बाहर और भक्तो जब जन्म हुआ उसका कनी आज हमारे घर में जब बच्चा जन्म ले लेता है तो हम क्या नहीं करते, कितना खर्चा करते हैं, दावत करते हैं, लेकिन बच्चा माता पिता के साथ ऐसा करे तो ये अच्छा नहीं है। जब जन्म हुआ उसका कनी खुशी मनाई थी, घर घर लड्डू बांटे और बटी मिठाई थी। वो थाली बजवाई थी और खर्चा किया अपार इकलौते बेटे ने कर दी घर से बाहर इकलौते बेटे ने माँ कर दी घर से बाहर। अगर बच्चा समझ में आ रहा अच्छा लग रहा तो मीठी मीठी ताली बजाएंगे जरूरत। कहने लगी बाबा, बच्चे ने कहा मुझे पेन चाहिए तो पेन दिलाया, साइकिल दिलाई, जो खिलौना मांगा वो ही दिलाया, लेकिन आज ऐसा क्यों हो गया बाबा, ऐसी मेरे प्यार में क्या कमी रह गई। कहने लगी जब वो मुस्कुराता था मैं खुश हो जाती थी, पहले वो खाता था मैं बाद में खाती थी, पहले वो खाता था मैं बाद में खाती थी, उसे खूब खिलाती थी, उसे खूब खिलाती थी और बहुत करे थी प्यार इकलौते बेटे ने। अरे बात करती घर पे बाहर इकलौते बेटे ने माँ कर दी घर से बाहर। सभी को पता है शादी के बाद अगर एक दो साल में बच्चा ना हो तो माँ बाप क्या दादी दादा भी परेशान हो जाते हैं। हम कहां कहां दर दर जाते हैं भीख मांगने के लिए कि एक बच्चा हमें मिल जाए, लड़की हो या लड़का। दर दर जाते हैं गुरुद्वारे में, मस्जिद में, पीर पे, पैगंबर पे, मंदिर में, भक्तों के पास। हमारे भगत जी के यहाँ भी, पप्पू भगत जी के यहाँ भी बड़े भक्त आते हैं दूर दूर से बच्चे के लिए, दुख दूर कराने के लिए। कहने लगी बाबा, बच्चे ने कहा कि माँ मुझे मोटरसाइकिल चाहिए तो मोटरसाइकिल दिला दी। कहने लगा माँ मेरे सारे दोस्त कॉलेज में पढ़ते हैं, मेरा भी कॉलेज में ही एडमिशन करा दे। बच्चे का एडमिशन कॉलेज में करा दिया। दो चार दिन जब कॉलेज गया तो कहने लगा माँ मेरे जितने भी दोस्त हैं सबसे बड़ी बड़ी गाड़ी है, एक गाड़ी मुझे भी दिला दे। माँ कहने लगी बेटा
थोड़ा सोच समझ के चल। देख है तो सब तेरा लेकिन वो बड़े लोग हैं बेटा। दो तीन दिन घर झगड़ते हो गए लेकिन माँ से रोज कहता, माँ ने परेशान हो करके एक गाड़ी भी दिला दी। गाड़ी दिला करके कॉलेज जाता, बच्चा गलत संगत में फंस गया, कई कई दिन में घर आने जाने लग गया। अगली बात में किस प्रकार से कवि ने एक सुंदर सी बात लिख दी और क्या लिखा। कॉलेज में गया पढ़ने, लव मैरिज कर लाया। और माँ से कहने लगा, माँ ये बहू तुम्हारी है, मुझे ऐसे बतलाया। जब माँ ने समझाया माँ ने कहा, बेटा ये क्या कर दिया तूने, एक बार तो मेरे से पूछ लिया होता, मैं भी तो तेरी माँ हूँ, पाल पोस कर आज इतना बड़ा कर दिया, तू एक बार भी तेरे मन में नहीं आया मेरे लिए ख्याल। माँ से झगड़ा कर दिया। जब माँ ने समझाया वो करने लगा तकरार, इकलौते बेटे ने कर दी घर से बाहर। और भक्तों कहते हैं कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, और माँ की बात तो भगवान से भी टाली नहीं जाती। बर्तन मांझ के चार बेटों को पाल लेती है माँ, लेकिन आज इस कलयुग में दुल्हन आने के बाद उन चार बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। माँ की तड़प माँ ही जानती है। घर से बच्चा निकल गया, बाहर रहने लगा, 8-10 रोज बीत गए, जब घर आया तो कैसी हालत थी। कोई माँ बाप ये नहीं तो सोचेगा कि मेरा बच्चा एक गलत संगत में फंस जाए। कामयाब बनाने के लिए अनेक कोशिश करते हैं माता पिता। आइए किस प्रकार से क्या लिख दिया कवि ने। उस दिन होगी पी के आया दारू, और माँ से कहने लगा, माँ सब मेरे नाम करो वरना तुझको मारू। हो सब मेरे नाम करो वरना तुझको मारू, ना चरण सिंह हारू, ना चरण सिंह हारू, राहुल पे कर उपकार, इकलौते बेटे ने कर दी घर से बाहर। इकलौते बेटे ने माँ कर दी घर से बाहर। ए मोहन राम बाबा सुन करुणा भरी पुकार, इकलौते बेटे ने माँ कर दी घर से बाहर। इकलौते बेटे ने माँ कर दी घर से बाहर।